जैसा जी फैन के पास मीटर लगा, जब हम गए थे साधना में थी, ये सिस्टम चलाया है 2 मिनट, सर नमी हो गई है। और ये देखें सर, मसलसल फोगर चलने की वजह से टेम्परेचर भी 29.5-6 पे था, सही है, मसलसल चलने की वजह से 27-8 पे आ गया है, और जो ह्यूमिडिटी है वो 62 पे चली गई है। तो इसलिए इसी तरह देखें, बर्ड को भी देखें, बर्ड भी माशाल्लाह सही है, तो कोई ना गीला है बर्ड, ना मैला है, या तो जैसे लेटर वगैरह गीला होता है तो बर्ड भी जाहिर सी बात है गंदा हो जाता है, ऐसी पोजीशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, ज़बरदस्त लगा है, लेटर भी बिल्कुल खुश्क है, और पंखे भी 5 चल रहे हैं, सही है, एक ऑटो पे लगा हुआ है पंखा, तो अपने हिसाब से चलता है। उसके साथ फ्लो वगैरह और मुर्गी देखें सही चल रही है माशाल्लाह, फोगर भी सही चल रहे हैं, इसमें फ़ायदा है, हम जहाँ तक चाहें हम इसको रख सकते हैं, मैं इसको टाइम के हिसाब से चला रहा हूँ, जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब हमारी ह्यूमिडिटी डाउन होती है मैं 5 मिनट ऑफ भी कर देता हूँ, 6 मिनट ऑफ भी कर देता हूँ, 1.5 मिनट 1 मिनट भी ऑन करता हूँ ताकि थोड़ा चले, तो वैसे ही माशाल्लाह चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये बनाया था, आज मैंने चलाए थे फोगर वगैरह, मैंने कहा चला के मैं दिखाता हूँ, तो चल तो मेरे ऑलरेडी रहे हैं, 32 इनका आज हो गया चूड़ा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला वगैरह नहीं है, पंखे भी चल रहे हैं, वेंटिलेशन वेंटों के ज़रिए से हवा वगैरह जब आती है अंदर तो हवा में हल हो जाती है नमी, 100 फुट हमने पीछे लगाए हुए हैं, और यह देखें इसमें पानी का कितना आ रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा, सही है, और ये ऊपर निपल लगी हुई है, ड्रॉपिंग वगैरह भी इसके अंदर नहीं है, और आप नीचे देख सकते हैं वाटरमैन के साथ ही बरादा भी बिल्कुल सूखा है, ठीक है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, नज़ल के नीचे है, तो ऐसा नहीं होता, अगर हम ज़्यादा चलाएंगे पंखे कम चलाएंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, हमारे लिए मसला होगा, क्योंकि अब पंखे नहीं चलेंगे तो फिर तो डायरेक्ट जो पानी होगा वो बर्ड के ऊपर आएगा, और बर्ड गीला भी होगा उसमें, और नज़ला वगैरह भी होगा, आवाज़ें भी होंगी, मामला थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो अभी आज 32 दिन की हो गई है माशाल्लाह मुर्गी, तो मसला कोई मसला नहीं है, और जो अपने चलते आ रहे हैं 13-14 दिन से मैंने चला दिए थे, क्योंकि जो वेंटों के ऊपर है जो लगी हुई हैं नफ़ज़ल वगैरह, वो नफ़ज़ल मैंने 11-12 दिन से स्टार्ट कर दी थी, तो उसके बाद फिर मैंने जो सेंटर में जो 2 लाइनें लगी हुई हैं वो हमने बंद रखी थी, वो फिर वेंटिलेशन थोड़ी थी और पंखा भी एक चल रहा था, आग पंखा चल रहा था टाइमिंग वगैरह पे, तो इसी वजह से ना वो चलाते रहे हैं साइड वाले, और जब जैसे 20 दिन पे चूज़ा आया, पंखे भी 2 चले हैं, ठीक है, 2-3 पंखे भी चलाए हैं साथ मैंने मैनुअल पे, तो फिर उसके बाद मैंने भी ये जो सेंटर में लाइनें थी 2 इनको भी ऑन कर दिया था, अभी ये मंजर देखें चल रहे हैं हवा के अंदर, हवा के साथ नमी जो है पानी मिक्स हो के आगे जा रहा है, ये देखिए पानी नीचे कम गिरा है, नीचे तो जहरी बात है थोड़ा सा ज़्यादा चलाएंगे तो नीचे भी गिरेंगे, अगर पानी है हवा के अंदर मिक्स होके भी आगे जाएगा, तो ये चीज़ें, लेकिन बर्ड को इतनी परेशानी नहीं है, बर्ड बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ है, चलते रहे हैं माशाल्लाह और चल रहे हैं, और पानी का भी इसमें नहीं है मसला, कभी अगर बंद हो जाते हैं जी ड्रॉपिंग हो रही है, नहीं कोई ऐसा मामला नहीं है, बराता भी आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर ये चल रहे हैं, देखें ये देखें बराता बराता बिल्कुल ओके, और
ये सर जी फैन के पास मीटर लगा, जब हम गए थे साधना में थी, ये सिस्टम चलाया है 2 मिनट, तो अक्सर नमी हो गई है।